5 मिनट से तुम पुलिस को नहीं रोक पाई, फोन करो उनको, फोन करके रोको। हम कहा बोले थे, हमारी मां किसी भी कीमत में गिरफ्तार नहीं होनी चाहिए। कृष्णा फोन करो। अब ये संभव नहीं है। देख लिए ना पिंटू बेटा, देख लिए ना ये लोग कैसा डबल प्लानिंग किए। पहले पुलिस जाके गंगा को गिरफ्तार करके थाने लाएगी, फिर जबरदस्ती हमसे गुनाह कबूल करवा के हमको भी गिरफ्तार करेगी। ये तो खुलेआम जोर जबरदस्ती हो रहा है भाई, हमारे परिवार को फंसाने का साजिश किया जा रहा है। ये आप क्या बोल रहे हैं? ऐसा कोई बात नहीं। अरे 16 आने ऐसा ही बात है। देखिए आप लोग आए, अच्छा टाइम पर आए हैं आप लोग। देखिए कैसा जोर जबरदस्ती हो रहा है हमारे परिवार के साथ। अरे हमारा निर्दोष पत्नी को अरेस्ट किया जा रहा है, पर हम आप लोग के सामने ही घोषणा करते हैं कि सरकारी अत्याचार के खिलाफ हम टुनटुन सिंह कल से BDO ऑफिस के बाहर धरना करेंगे। ए भैया जी, आप ऐसा कीजिए, वो देसी घी वाला पैक कीजिए उधर वाला। देसी घी वाला का है, तेल वाला का है नहीं। आप एको बात बताइए, सरगम जी को फोन की कि नहीं? अरे हम तो कब फोन कर दिए थे और खूब अच्छे से समझा भी दिए। हम गंगा जी के लिए अपने हाथ से खाना बना के ले आए हैं। तो गंगा जी के लिए खाना कौन भेज रहा है? देहाती जी आप? हाँ। खाएगा कौन? गंगा जी। गंगा जी को ये तो पता लगना चाहिए ना कि देहाती जी खाना लाई है तो देसी घी वाला लाई होंगी ना। माँ हमको माफ कर दो, हम आपका बेटा कहलाने के लायक ही नहीं। मां आप सही कहती थी, हमको फंसाया गया और इस कृष्णा ने हमें फंसाया। हमारे लिए इतना ही काफी है कि हमारा बेटा को सही और गलत का पहचान हो गया है। अरुण इन्हें बंद करो। सर माफ कीजिएगा, हम ऐसा परिस्थिति में कुछ नहीं कर पा रहे और तो और पिंटू जी को भी नहीं समझा पा रहे। समझा तो तुम हमको भी नहीं पाओगी कृष्णा। एक अफसर का जिम्मेदारी सिर्फ अपने सीनियर्स का ऑर्डर फॉलो करना नहीं होता है, बल्कि सही और गलत को परख के सच का साथ देना होता है। और आज मेरी माँ को अरेस्ट करा के तुम गलत का साथ दिया। भैया देखो, कृष्णा दीदी पापा को लेकर आ गई। कैसे हैं आप? वो बाप कैसा होगा माँ, चीका बेटी खुद ही गिरफ्तार करके उसको जेल में ले गई। ये क्या तरीका है बात करने का? पापा आप लोग मुंह हाथ धो लो, हम खाने लगाते हैं। पापा हम आपके लिए कपड़े निकालते। जी सर। कृष्णा राज, गंगा देवी मामले में जो आपने कार्रवाई की है उसके लिए हम बहुत खुश हैं। शाबाश। धन्यवाद सर, हम तो बस आपका आदेश और हमारा कर्तव्य का पालन कर रहे थे। कल ही आप इस मामले की इंक्वायरी की तैयारी अपने BDO ऑफिस में कर लीजिए और इस इंक्वायरी के दौरान हम भी वहाँ उपस्थित रहेंगे। बिल्कुल सर, अगर टुनटुन चाचा जी सब मान लेते हैं तो हम DC सर को समझाने का कोशिश करेंगे ताकि गंगा चाची जल्द से जल्द छूट जाए। हम तो अपना तरफ से 1 घंटे का समय दिए थे और इंतजार भी कर रहे थे, लेकिन पता नहीं किस दबाव में आकर DC सर गिरफ्तारी का वारंट जारी कर दिए। हम हमारी माँ के लिए खाना लेके जा रहे हैं। हमें दीजिए, हम दे देंगे। भैया जी, जिस तरह से पिंटू जी के चेहरे का भाव बदल रहा है ना, कि इन पे कृष्णा की बातों का असर हो रहा है। चलो आ गई। हमको आपसे 2 मिनट के लिए बात करना है, सिर्फ 2 मिनट।